अगस्ता वेस्टलैंड बीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल द्वारा सोनिया गांधी का नाम लेने पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जीएस वाली ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेना जो कि राजनीतिक व्यक्ति हो बिल्कुल गलत है और यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों और बिना किसी पुख्ता सबूत के मीडिया ट्रायल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सब लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा की तय स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है ताकि असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। वाली ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम बेवजह लिया जाएगा तो उसे सारी उम्र साबित करने में बीत जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ये नई चीज आ गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो कि गलत है। पूर्व मंत्री जीएस वाली ने कहा कि हिमाचल में करीब 10 लाख बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, हर घर में एक दो बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के समय में भी बेरोजगारों के हक के लिए लड़े थे और अब भी बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति जरूरी नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दे जरूरी हैं। कांग्रेस सरकार के समय में शुरू बेरोजगारी भत्ते को भी जयराम सरकार ने बंद कर दिया। पूर्व मंत्री जीएस वाली ने मोदी रैली को लेकर भी जयराम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़िया काम कर रही है और ईमानदार सरकार है। ये दो सर्टिफिकेट पीएम मोदी दे गए हैं लेकिन सर्टिफिकेट तो आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता सरकार को देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य ठप हैं, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, तबादला उद्योग चरम पर है, फिर कैसे हम कह सकते हैं कि सरकार बढ़िया काम कर रही है। उन्होंने जयराम सरकार से पूछा है कि सरकार बताए एक वर्ष में कितने नए उद्योग स्थापित हुए हैं, कितने नए संस्थान खुले हैं, टूरिज्म के कितने प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए मंजूर हुए हैं और कितनी नई नौकरियां दी गई हैं, साथ ही कितनी नई भर्तियां निकाली गई हैं। सरकार में जो लोग बैठे हैं वह स्पष्टीकरण दे कि अलग अलग जिलों में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं, कितनी नई मकानों के केस मंजूर हुए हैं। काम मैं नहीं करता हूँ, मैंने एक ही बात कही है कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उनका स्वागत भी मैंने पहले भी किया था। चिंता का विषय ये है कि क्या हम असली मुद्दों को नीचे डाल रहे हैं कारपेट के और ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका आम नागरिक से कोई मतलब नहीं होगा। अब कांगड़ी धाम हम रोज ही खाते हैं, उसका क्या लेना देना कि कांगड़ी धाम बढ़िया है या नहीं है। ऐसे ही बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ट्रांसफर हो रही है, उतने पैमाने के ऊपर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयड की तादाद 10 लाख से क्रॉस कर गई है और ड्रग्स जो हैं हर किसी भी कोने में आप चल करके ड्रग्स ले सकते हैं। ये चिंता का विषय है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई है, नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशन नहीं खुल रहे हैं, नई सड़कें नहीं बन रही हैं, एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन कितनी बड़ी, देखिए ये सारी चीजें जीडीपी के साथ जो लगी हुई हैं, टैक्स कलेक्शन कितनी बड़ी, एम्प्लॉयमेंट कितनी नहीं आई, आपका टैक्स स्ट्रक्चर कितना बड़ा, आपने ट्रांसपोर्ट में कितनी एक्सपेंशन की, आपने सड़कें कितनी बनाई, आपने पानी की कितनी नई स्कीमें लाए, आपने टूरिज्म के कितने बड़े और प्रोजेक्ट लगे, ये सारी चीजें इन टोटलिटी मिला करके एक जीडीपी का डाटा तैयार होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये डाटा क्या पीछे तो नहीं जा रहा। आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कांग्रेस पार्टी ने दिया था, आपने उसको रफा दफा कर दिया, अब आप 10 लाख लोगों के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। किसानों की हालत बेहाल है, हम कह रहे हैं उनको यूनिवर्सल इनकम ग्रुप में लाइए, उनको मिनिमम गारंटी दीजिए उनके, ताकि वो अपना बीज सकें, जो काम है उसको कर सकें। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको लेकर के अब ये नई चीज आ गई है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मिशेल साहब ने बोल दिया, फलाने का नाम ले दिया, डगाने का ले दिया। अब ये सारी चीजें जब आएंगी कि किसी व्यक्ति का भी नाम ले देंगे विशेष का, वो बेचारा अपने आप को क्लियर करने में सारी जिंदगी लगा देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मीडिया ट्रायल किसी भी राजनीतिक में, जो राजनीतिक या पब्लिक फिगर है उसको मीडिया ट्रायल में घसीटना किसी भी ऑफेंस से पहले, किसी भी नॉन बिना प्रूफ के, एक बहुत ही माड़ी बात है, इससे छोटी बात नहीं कोई हो सकती। और
इन छोटी छोटी बातों से जो असली मुद्दे हैं, सीमेंट की प्राइस है, सीमेंट पंजाब में सस्ता है यहाँ बनता है महंगा है, बिजली की प्राइस है यहाँ बनती है वहाँ सस्ती है यहाँ पे महंगी है, इसकी ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी, ये सारी चीजें जो है मेजर इश्यू है, इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो सर्टिफिकेट दिए कि एक साल में बहुत अच्छा काम किया है, एक साल में ईमानदार, इसके सर्टिफिकेट तो आने वाले टाइम में हिमाचल की जनता देगी, और जनता देगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितना किसने अच्छा काम किया है नहीं किया है। और मैं किसी के काम को बुरा नहीं कहता हूं, मगर काम नजर नहीं आ रहा। जैसे काम नजर आएगा, अब कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कितनी बार सुन चुका हूँ, चंबा में सीमेंट प्लांट कितनी बार सुन चुका हूँ, रेल की एक्सपेंशन कितनी बार सुन चुका हूँ, सुन सुन करके दिमाग भी फटना शुरू हो गया है, मगर वो काम जो है प्रैक्टिकल धरातल के ऊपर नहीं आ रहे हैं, ये चिंता का विषय। क्या लगता है?